देखिए बात यही है, सब प्रदेश में पूरा देश में एक कानून व्यवस्था है, किसी ने कानून तोड़ने का कोशिश करेंगे, कानून तोड़ के जबरदस्ती करेंगे तो पुलिस या प्रशासन कोई भी स्थान पर कार्रवाई जरूर करेंगे। तो इसीलिए जो यात्रा निकाला राहुल गांधी, यात्रा निकाले उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कानून को तो ध्यान में रखना पड़ेगा। जबरदस्ती करके कोई कुछ करेंगे तो उसका परिणाम तो ठीक नहीं होगा। वही सर, जो यात्रा है आज पश्चिम बंगाल में आने वाली है, उससे पहले मुख्यमंत्री ने कल संकेत दिए थे कि इंडिया एलायंस के साथ उनका गठबंधन नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, बात तो यही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो कर रहा है, भारत को क्या जोड़ेगा, खुद दो चार पार्टी को जोड़ नहीं सकता, जो INDIA को जोड़ नहीं सकता वो देश को जोड़ेगा, इसीलिए सारे बकवास है। तृणमूल कांग्रेस, कांग्रेस और ये सारे दल में लड़ाई होगा और हम लोग उसका मजा लेंगे। वहीं दीपादास मिश्री जो कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के नेता भी, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी इनडायरेक्टली बीजेपी को ही सपोर्ट करती हैं। देखिए बात है, यह है अंगूर फॉल टॉक, एक कहावत है, इन लोगों का वही है। इन लोग सोचा था कांग्रेस का तो समाप्त हो गया, CPM का तो पश्चिम बंगाल से प्राय सफाया हो गया, तो तृणमूल का आशीर्वाद से, ममता बनर्जी का पैर का आशीर्वाद लेके ये लोग थोड़ा आगे बढ़ना चाहते थे। जब देखा सारे सपना एकदम चूर चूर हो गया, तब जाके इन लोगों ने अभी गाली बकने का काम शुरू किया। इसीलिए कांग्रेस का हालत सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरा देश में ही यही होने वाला है।